बहुत जल्द आप हरम की निगेबान बनने वाली हैं और हरम पर आपका हुक्म चलेगा। दरअसल हम भी हरम की जिम्मेदारी निभाते निभाते थक चुके हैं, तो हमने सोचा कि ये जिम्मेदारी आपको सौंप। आज से बल्कि अभी से हरम की जिम्मेदारी आपकी हुई। ये क्या कह रही हैं आप रुकैया बेगम? वही जो आपने सुना, हम चाहते हैं कि आज से हरम की जिम्मेदारी आप संभालें। हमने महसूस किया है कि आप तेज दिमाग हैं, सियासत की माकूल समझ भी है आप में, और जलाल को भी अच्छे से संभाल लेती हैं आप। उन्हें मशवरा भी देने लगी हैं आजकल। जब इतना सब कुछ कर ही रही हैं, तो एक हरम संभालने में क्या जाता है आपका? आपको कोई भ्रम हुआ है? हरम के उत्तरदायित्व को संभालने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। रुकिए जोधा बेगम, आखिर इसमें इतना मुश्किल है ही क्या? शतरंज खेलने भी आती है आपको, दाव भी अच्छे से चला लेती है, हरम संभालने के कितना काफी है। ना तो हम हरम के लोगों को ठीक से जानते हैं, ना ही उनकी संस्कृति, उनकी आवश्यकता और समझ को पहचानते हैं। यदि हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए सबसे अधिक योग्य कोई है तो वो आप स्वयं है रुकैया बेगम। और तभी तो शहंशाह ने आपको इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। लिखिए अलिफ बेते। अलिफ तेबे नहीं, पहले ते नहीं, पहले बे बे। जरा दिल लगाकर पढ़ा कीजिए आप। शिक्षक को इतना कठोर नहीं होना चाहिए ना? शक्ति नहीं बरतेंगे तो शागिर्द सीखेगा कैसे? चलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं। पढ़ाई का वक्त खत्म और कहानी का शुरू। कोई कहानी सुनाइए ना आपके कृष्णा की। ठीक है, हम आपको गोवर्धन पर्वत वाली कहानी सुनाते हैं। एक बार ब्रिज में भयंकर वर्षा हो गई, चारों ओर पानी पानी, त्राही त्राही, नदी नाले सब भर आए। अब ऐसे में ब्रिजवासी सोचने लगे कि अब क्या करें। तो फिर वो सब के सब कान्हा जी के पास गए और उनके पास जाकर प्रार्थना की। तो कान्हा जी ने अपनी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा पहाड़? हाँ, पूरा पहाड़। सलाम अलैकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम खाने खाना। प्रणाम शहंशाह। आदाब। तो खाने खाना क्या सिखा रहे थे आप अपनी छोटी अम्मी जान को? अपनी जुबान सिखा रहे थे। और इसके बदले क्या मिल रहा है आपको? हर रोज एक नई कहानी। तो बताइए खाने खाना कितनी काबिल हैं सीखने में आपकी नई शागिर्द? आपकी खास बेगम बहुत हुनरमंद है शहंशाह। रहीम, ये क्या आप हमें छोटी अम्मी जान ही कहाँ करें? ये खास बेगम क्या है? आज अम्मी जान ने बताया कि आप खास बेगम है तो हमने बोल दिया। अब आपने मना कर दिया तो हम नहीं बोलेंगे। अरे आप कहाँ चल दिए? आपको तो पढ़ा दिया, अब हमारी पढ़ाई का वक्त है ना। वक्त पे नहीं पहुँचे तो अम्मी जान हमारे कान खींचेगी। सलाम छोटी अम्मी जान। सलाम शहंशाह। छोटी अम्मी जान कल ये पार वाली कहानी पूरी करेंगे। कल तो जोधा बेगम की वजह से हम शहंशाह के साथ वक्त नहीं बिता सके, लेकिन आज आज हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। शहंशाह के वक्त पर सिर्फ हमारा इख्तियार होगा। बेशक मलिकाई बेगम, ये तो आपका ही हक है। आदाब बेगम रुकैया। आदाब। आइए महामंगा, कैसे आना हुआ? बेगम रुकैया आपके लिए नजराना लाए थे, अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करें। ये क्या है? रेशम है, असली रेशम के थान। आपको रेशम बहुत पसंद है ना, इसीलिए खास आपके लिए एक सौदागर से मंगवाए थे। कबूल फरमाइए।
बेशक, बहुत ही उम्दा है और खूबसूरत। शुक्रिया, हमें बहुत खुशी होगी अगर इस थान के लिबास में आपको देखेंगे तो, और शहनशाह भी आपको इस रेशम के लिबास में बहुत पसंद करेंगे। हम जो भी पहने शहनशाह को पसंद ही आता है, मगर हमें ये पसंद आया। होशियार, इसे संभाल के रखो। इस नजराने के लिए शुक्रिया महम। माशाल्लाह बेगम रुकैया, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। क्या हम वजह जान सकते हैं? हाँ, आज रात शहनशाह के साथ कश्ती में घूमने का इरादा है हमारा। कश्ती में घूमने का, माशाल्लाह। लेकिन क्या बेगम रुकैया, आपने अपने इस नेक इरादे के बारे में शहनशाह को खबर दी है? नहीं, हम बस उन्हें पैगाम भिजवाने ही वाले थे। जाओ जाकर शहनशाह को पैगाम दो कि उनकी बेगम एक खास आज रात उनके साथ कश्ती में घूमने की ख्वाहिश रखती है। तो बेगम रुकैया, आप हमें इजाजत दीजिए। हम बस यही दुआ करेंगे कि आपका ये नाव का सफर शहनशाह के साथ खुशगवार रहे। खुदा हाफिज। आदाब। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाला अबुल माली एक गरीब के टूटे फूटे झोपड़े में पड़ा हुआ है। तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं होगा, अगर नसीब होगी तो कब्र वो भी इस झोपड़े के बगल में। आप तो नाहक ही गुस्सा हो रहे हैं, हम तहे दिल से आपके लिए फिक्रमंद हैं। आखिर हम दोनों का मकसद एक ही है, अगर हम एक दूसरे से लड़ पड़े तो हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब हम कैद खाने से छूट कर आ गए हैं, हुक्म कीजिए, आपका अधूरा ख्वाब हम पूरा करेंगे। हमें तुम्हारी काबिलियत पे शक है कि तुम ऐसा कर पाओगे, हमें सब पता है। बेनजीर का राज खुला तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जुबा बेगम को बेनजीर की सच्चाई तुमने बताई, तुम्हारी वजह से हमारे सारे मंसूबे नाकामयाब हुए। शरफुद्दीन, नहीं, हमने जोधा बेगम को कुछ नहीं बताया, हमने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। हमें बाहर निकालने में हमारी मोहब्बत का बहुत बड़ा हाथ है, उसी की वजह से आज हम सबके बीच खड़े हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर हम आपका बुरा चाहते तो हम यहाँ आपसे मिलने अकेले नहीं आते, बल्कि शाही फौज को भेजते जो सल्तनत के चप्पे चप्पे में तुम्हें छान रही है। बेनजीर, नजीर की वजह से हमारा वक्त भी गया और हमारी कोशिशें भी। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो आज आगरा का तख्त हमारा होता। खैर, तुम बताओ कैसे आना होगा? अब तो तुम जलाल के साथ हो और उसके वफादार भी। हम जलाल के साथ जरूर हैं, उसके वफादार नहीं। हम आगरा का तख्त दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आगरा का तख्त तो हासिल करना है हमें, उसके बाद हम जोधा बेगम का कत्ल करेंगे। एक बात बताइए, जोधा बेगम को खत्म करके आपको क्या मिलेगा? सही कहा तुमने, अब हमें ये बताओ कि जलाल को कैसे खत्म करेंगे? बेनजीर के हादसे के बाद फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वो आप हम पर छोड़ दीजिए, जलाल को आपको सौंपने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन हमारी दुश्मनी जलाल से है, उसके खानदान से नहीं। आपको हमसे एक वादा करना होगा, जलाल के मिलने के बाद अब जोधा बेगम और उनकी सारी बेगमों को कुछ नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं, अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हुए तो हम किसी और को कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे मंसूबे हमसे छुपे नहीं हैं शरफुद्दीन, तुम हमें जलाल दो, हम तुम्हें जोधा बेगम देंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।